रहा था इंजन चेक के लिए, वे बिठा उसने भी समाधान नहीं किया और कौन करेगा, हम क्या करेगा, हमने तो प्रशासन जाके गुहार लगाई थी। अच्छा, लेकिन करने वाला तो वही है ना, प्रदेश का मुख्यमंत्री। ये जो समस्या है भाई साहब का, अध्यक्ष उसके साथ में रहा हमारे पड़ोसी गाँव से ओम प्रकाश धनखड़। अच्छा, उन्होंने सब ने ये समस्या का हल करना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। फूट गई तो तब में पड़ा से कोई राह नहीं, गाँव को नहीं कोई बुझनी, वो लहा मिल जाए तो खा ले। पानी में दुखी होते और के पोजीशन से बात है, पानी उतर जाएगा तो जी वो का दाना खा लेंगे, नहीं तो कुछ नहीं है। गांव बसता है वहां राम बसता है, ऐसी हमारी मान्यताएं हैं और आज गांव के लोगों की हालत किसी से छुपी नहीं है। मीडिया पहुंचती है, वीडियो दिखाई जाती है, प्रशासन तक पहुंचती है और समस्या जो की त्यों बनी रहती है। बड़ी गंभीर समस्या है आज भारत देश के इस लोकतंत्र में, जहां देश के प्रधानमंत्री का 71वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है, विपक्ष बेरोजगार दिवस मना रहा है, तमाम नेता अपने वातानुकूलित कमरों में बैठ करके लंबी लंबी गाड़ियों में बैठ करके समस्याओं पर चर्चा करते हैं और वही ढाक के तीन पात, आम आदमी की निगाहें, आम आदमी के चेहरे पर वही समस्याएं, वही दिक्कतें, हर साल वही बातें। कब होगा इन समस्याओं का समाधान? और आजादी के 74 साल बाद भी सुविधाओं को तरसते ये किसान। हरियाणा प्रदेश जहां खेत खिलाड़ी, खेल खलियान, किसान जवान और पहलवान, लेकिन परेशान है आज आम जन और इंसान। ये आज हरियाणा की ग्राउंड रिपोर्ट से समाचार कैरी की खास रिपोर्ट। गांव गांव में पहुंच रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं क्या है आजादी के 74 साल बाद देश और प्रदेश के हाल। आंखें नम हो जाती हैं जब एक किसान की वर्ष भर की कमाई, उसकी पूंजी और उसकी फसल पानी में डूब जाती है। वो अपने बच्चों के भविष्य को देखता है, वो लड़की की शादी की सोचता है, बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए भेजने के लिए सोचता है और फसल से क्या मिलता है, उसकी लागत भी पानी में डूब जाती है। मिलता है कोरा आश्वासन, बरगलाया जाता है, बहकाया जाता है, आश्वासन दिए जाते हैं, फसल बीमा योजना से लाभ होगा, गिरदावरी से लाभ होगा, मुआवजा से लाभ होगा, लेकिन ये योजनाएं कागजों में रह जाती हैं, किसान के पास पूरी तरह से फायदा नहीं पहुंच पाता है। मजबूर है किसान खेती करने को, अन्य कोई विकल्प नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है, गांवों में फैक्ट्रियां नहीं है, शहरों तक जाते जाते किसान अपनी सभ्यता खो बैठता है, अपनी संस्कृति को भूल जाता है। आज गांवों के ये हाल आपके सामने हैं। लगभग हर गांव में ये समस्या है, बरसात अधिक हो गई तो समस्या, बरसात नहीं हुई तो सूखे की समस्या, पानी भर गया तो निकासी की समस्या, पीने के पानी की समस्या, सड़कों की समस्या, बिजली नहीं आती, चिकित्सा सुविधाएं नहीं है, मकानों में पानी घुस रहा है, मकानों में दरारें आ रही हैं, लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, अधिकारियों की बाट जो रहे हैं, कब अधिकारी गांव में पहुंचेंगे, कब एक गरीब आदमी को मुआवजा मिलेगा, कब उसकी सुनवाई होगी, इन तमाम सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं आजादी के 74 साल बाद। ये तमाम सवाल आपको सोचने को मजबूर कर रहे हैं, क्या है आज देश प्रदेश के आम आदमी का हाल। एक और सड़कों पर किसान, 10 माह से बैठे हैं किसान, उनकी भी समस्या का कोई नहीं हो रहा समाधान, और दूसरी ओर यह आम आदमी जिनकी आंखों में सपने हैं, हर साल 5 साल बाद ये वोट देते हैं उन सपनों के साथ कि नई सरकारें आएंगी, नेता आएंगे, आपकी सुविधाओं को, आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे, और पिछले 15-16 सालों से वही मिल रहा है आश्वासन। बदल रही सरकारें, बदल रहा मौसम, अगर कुछ नहीं बदला तो वो किसान की हालत, एक आम आदमी की हालत। आज ये गांव की सच्ची ग्राउंड जीरो रिपोर्ट टीम समाचार कैरी की ओर से। ये 2 दिन कट रहा है, जब तो वो इंजन उंजन लगा के पानी निकाला, उसके बाद देख लो पाइप और उनका, उसके बाद कोई प्रशासन नहीं आया संभालने के लिए। मुख्यमंत्री महोदय का दौरा हुआ 5 सितंबर को जी, तो यहाँ जो है पानी निकासी पर बहुत ही प्रशासन ने जो है जोरों से कार्य किया, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री महोदय का दौरा समाप्त हुआ तो उसके बाद जो है वो पंप और पाइप भी डाले गए। सरकार कुछ समाधान नहीं कर रही,
पानी भरा इतना 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 पानी में सब जाते हैं आते हैं कुछ थोड़ा नहीं कोई सफर है नहीं कोई कुछ नहीं कोई कुछ भी नहीं है लेकिन आश्वासन के सवाल कुछ मिलता नहीं है यहाँ सुविधा कौन सी सुविधा जब बता दो पानी अब तो खड़ा है और प्रशासन को बार बार कह चुके हैं पानी रास्ता कितने दिन से भरा है कुछ ना है अच्छा हर साल यू ना नया बना दे पानी एक बार तो बुरी तरह से डेंगू फैल गया था 8-10 मौत भी होगी परेशानी का सामना कर रहे हैं लोग जा रहे हैं बहुत परेशान हो रहे हैं तेरे सरकार कुछ नहीं कर रही क्या क्या जाए मोटर है दो अभी बंद पड़े हैं ऐसे ही हैं अच्छा साल गांव की पूरी फसल बर्बाद होती है हर वक्त लगा दी स्कूल के आसपास जो एक नाला है जो 12 मास जो है ना सड़ता है दो महीने हो गया जी और क्या कर रही वो क्या कहते हैं हमने समस्या हो रही है बात होगी इन्हें की 98% फसल बर्बाद हो गई हमारी तो है प्रशासन के बाद भी हम डालिए डीजी साहब के सीएम तक डालिए कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी अच्छा पैसे कहाँ से आएंगे नहीं बताओ पहले तो फसल में लगा दिए अब बोले आप बीमा करवाओ उसका बीमा का पैसे कहाँ से आएंगे किसान के पास तो हमारे को तो कोई पैसा मिलता नहीं सरकार के दूसरे ये बिल्कुल सरकार झूठ बोल रही है हर बार ऐसा ही कहते हैं जी खुद करेंगे सरकार उसकी गारंटी देती नहीं ना उसका समाधान करने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया सर्वे करवा देते हैं कोई सुनवाई नहीं अच्छा बिल्कुल भगवान प्रसाद की बात तो क्यों भी मतलब खाने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा सही जी कोई बात नहीं हमारी कोई सुविधा नहीं अच्छा कटिना डांगरा मेडिकल भी कोई ना काम बिजली की समस्या तो ये है जी मतलब 4 घंटे देर में वो है दो आ जाती है कभी 1 घंटा आ जाती है और बार बार कट लगते हैं पानी भरा हुआ है जी अच्छा हाँ निकल जाएगा रास्ता भी नहीं हरोड़ा पर कर जा सके खेतों में सारी फसल बर्बाद होगी बाड़ी भी बाजरा भी ज्वार भी हमें पैदल चलने का रास्ता नहीं है इसलिए हम इस टेम्पो में बैठ करके आपको दिखा रहे हैं गाँव की गलियों की यह हालत जहाँ कई कई फुट पानी खड़ा हुआ है और घरों में यह पानी घुस गया है पानी में बदबू है बीमारियां फैल चुकी हैं यहाँ पर मच्छर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी का पूरा हाल है इस सड़क पर पूरी गली जो पानी में डूबी हुई है यहाँ पैदल चलना दुर्भर है पहुँच गया है और यह घर की दीवार है जो बरसाती पानी आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ जो बरसाती पानी है उसकी वजह से यहाँ पूरी दीवार गिर गई है और जो आगे की दीवार है उसमें भी दरार आ गई है और ये हाल है आज समसपुर माजरा गांव का जहां बरसाती पानी ने कहर मचाया है यहां पर मकान की दीवार गिर रही है स्कूल के बच्चे गंदे पानी में से होकर के गुजर रहे हैं घरों तक पानी पहुंच गया है और पशु महिलाएं बच्चे सभी गंदे पानी में से होकर के गुजर रहे हैं यहां समसपुर माजरा में जो पानी की अधिकता है बरसाती पानी की वो पूरी तरह से हर चीज को उसने तबाह कर दिया है तो अब ये जो पानी है ये घरों में भी घुसने लग गया दीवार गिर गई है स्कूल है सर ये स्कूल है स्कूल के बच्चे छोटा प्राइमरी स्कूल है छोटे बच्चों का प्राइवेट अपना इधर पानी के लिए जो है ना इधर से आना पड़ता है बच्चे आ नहीं सकते छोटे बच्चे डूबने का भी रहे हैं ये सीमेंटेड रोड है जी सीमेंटेड रोड है अभी तक लेकिन ये नीचा है ये खेतों के बराबर लेवल आना चाहिए था इसको भर तो के अर्धव ये बनना चाहिए था ताकि आदमी आने जाने से जो है दिक्कत नहीं मानते ये पानी इतना भर मैं मौजूद हूँ समसपुर माजरा गांव में सुरेती गांव की तरफ जाता है यह मुख्य मार्ग जो लगातार यहां पर पानी भरा हुआ है और आप देख रहे हैं कि यहाँ लोगों को पानी में से होकर के गुजरना पड़ता है अपने घरों तक जाने में यहाँ स्कूल भी है साथ में जहाँ बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं वो भी इसी पानी में से होकर के गुजरते हैं यह हालत है समसपुर माजरा गांव की और हर बरसात के मौसम में ऐसा हाल यहाँ अमूमन हो जाता है हालांकि गलियां जो है वो सीमेंटेड है पक्की हैं लेकिन गलियों के नीचे होने के कारण और जो बरसाती पानी है उसका गांव की तरफ घुसने के कारण ये हालात पैदा हो गए हैं कि आज पशु महिलाएं स्कूल में जाने वाले बच्चे और आम गांव के लोग इसी पानी में से होकर के गुजरते हैं अपने गंतव्य स्थल तक रोज के जो दिनचर्या के कार्य हैं वो इसी पानी में से गुजर के उनको करने पड़ते हैं गांव की चारों तरफ की आवाजाही रहती है और खेतों का आने जाने का रास्ता भी यही है ठीक है और ये चारों मतलब रोडों को जोड़ता है और इसमें जो है ना मतलब पानी भरा रहता है बरसात के टाइम में हर बार पानी भर जाता है इसमें ठीक है तो इसका जो है ना कोई स्थायी समाधान किया तो ये गांव का मुख्य रास्ता है जहाँ से आवागमन होता है हाँ ये गांव का मुख्य रास्ता तो ये कितने दिन से पानी भरा हुआ है यहाँ कम से कम जी 1 महीने से पानी भरा
अच्छा, तो इसका कोई समाधान नहीं हुआ है अभी? इसका कोई समाधान, तो इसमें तो मच्छर पैदा होने शुरू हो गए इसमें तो? हाँ, मच्छर पैदा होने शुरू हो गए, चारों तरफ पानी भरा हुआ गाँव में। अच्छा, मच्छर इससे डेंगू की बीमारी फैलने की संभावना है। हाँ। एक बार तो बुरी तरह से डेंगू फैल गया था, 8-10 मौत भी होगी गांव में। तो इससे तो भाई साहब बीमारी फैल जाएगी, तो काला पड़ गया पानी पूरी तरह से। आप देखिए इधर फसलें नष्ट हो चुकी है, इधर पानी जो है वहां से तो स्कूल के आसपास जाके देखिए, स्कूल के आसपास जो एक नाला है जो बारह मास जो है ना सड़ता है, एक प्रकार से वहां से बच पाते हैं वहां बैठने की। तो स्कूल के बच्चे वहां कैसे पढ़ पाते होंगे भाई साहब? बस बच्चे तो पढ़ने की मजबूरी है, क्या करें, उस नाले का पानी भर जाता है स्कूल के पास में भी। अच्छा, और ये दो दिन खट रहा है जब, तो वो इंजन उंजन लगा के पानी निकाला, उसके बाद उसके बाद कोई प्रशासन नहीं आया संभालने के लिए। मुख्यमंत्री महोदय का दौरा हुआ 5 सितंबर को जी, तो यहाँ जो है पानी निकासी पर बहुत ही प्रशासन ने जो है जोरों से कार्य किया, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री महोदय का दौरा समाप्त हुआ तो उसके बाद जो है वो पंप और पाइप भी उठा ले गए। तो फिर ये जो शक्ति है इसके लिए गाँव वासी क्या करते हैं? कहीं प्रशासन के पास गुहार लगाई है कुछ? जी, प्रदेश का मुख्यमंत्री आ रहा है, उसने भी समाधान नहीं किया, और कौन करेगा? हम क्या करें? हमने तो प्रशासन जाके गुहार लगाई थी। अच्छा, लेकिन करने वाला तो वही है ना, प्रदेश का मुख्यमंत्री। तो ये जो समस्या है भाई साहब का, अध्यक्ष उसके साथ में रहा हमारे पड़ोसी गांव से ओम प्रकाश धनखड़। अच्छा, उन्होंने सबने ये समस्या का हल करना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। हमने तो कई बार से अपील कर ली प्रशासन से, कोई सुनाई तो नहीं करता जी। क्या समाधान है भाई साहब? इसके लिए जो है एक नाला बनाने की योजना थी सरकार की, बहुत पहले वो पास में हो गया था, तो यहाँ से जो सुबाना के पास से और ड्रेन में ले जाने की, लेकिन वो पता नहीं किन कारणों से जो है कंप्लीट नहीं हो पाया। अगर ये नाला एक यहाँ से लेकर ड्रेन तक बन जाए तो शायद ये पानी की समस्या दूर हो सकती है। भाई ये हमारे गाँव है, उधर आगे तक वो हाल है, पानी का भरा हुआ है। अब आदमी तो कहीं से निकल जाए, पशुओं के लिए चारा नहीं है, उसके लिए कहाँ जाएंगे पशु? आदमी तो इधर उधर से वो कर ले अपनी व्यवस्था, लेकिन पशुओं का चारा नहीं। आप देख सकते हो किधर से क्या व्यवस्था की जाए, प्रशासन कुछ नहीं सोचता इस बारे में, हर चीज का नुकसान। आजादी के 74 साल बाद आज भी गांव देहात के लोग बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे हैं। गांव की फसलों में, खेतों में पानी खड़ा हो जाता है, गांव के मुख्य मार्गों पर गंदा पानी जमा हो जाता है, बच्चों के लिए स्कूल में बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, गांव में सरकारी अस्पताल नहीं है, कार्यालय में जाते हैं तो अधिकारी नहीं है, और बात करते हैं तो समाधान के लिए कर्मचारी नहीं है। ये हालत है आज दिल्ली के मात्र 55 किलोमीटर दूर जिला झज्जर के मुख्यालय के पास स्थित इन गांवों की, जहां ये समस्या है। एक और सरकार के दावे हैं कि 2022 में किसान की आय को दोगुनी कर दिया जाएगा, उसके विपरीत यहां पर ग्रामीण जो है बुनियादी सुविधाओं को तरसते नजर आ रहे हैं। मांग एक ही है, बिजली समय पर नहीं मिलती, खड़ी फसलों में जो पानी खड़ा हो जाता है उसका समाधान नहीं हो पाता, अगली फसल का समय आ जाता है, बच्चे और पशु कैसे इस गंदे पानी में से पार होकर के दूसरे स्थान तक जाएं? सुविधाओं का टोटा है, सुविधाओं का अभाव है। गुहार लगाते ग्रामीण प्रशासन की नींद तोड़ने के लिए और सरकारों को जगाने के लिए ग्रामीण लगातार अपने स्तर पर प्रयास करते रहे हैं, लेकिन वर्षों से यह चली आ रही समस्या कब होगा इसका समाधान, इंतजार कर रहे ग्रामीण। क्या दिक्कत आ रही आपको यहाँ? पानी आ रहा है जी, और बच्चा की दिक्कत हो रही है, सब कहेंगी। अच्छा, छोटे बच्चा खेलते हैं। तो पानी कितने दिन से पानी भरा है यहाँ? अच्छा, 2 महीने। तो इस पानी में से ही बच्चों को लेके जाना पड़ता है? 2 महीने हो गए जी। हाँ, और क्या करें, बच्चा के दाम नहीं, समस्या हो रही है, छोटा बच्चा तो डूब भी जाए इसमें, और क्यों करे हम, फिर लगता कपड़ा भीग गया, काला हो रहा है पानी, तो इसमें बीमारी की गंदगी मच्छर पैदा हो रही है। आप रोज यहाँ बच्चों को लेने आते हैं, तो इस पानी में से लेकर के जाना पड़ता है जी? 4-4 माँ है, माँ कभी आ गया है जी, 4-4 माँ है। 4:30 बजे फिर आऊंगा, 6 बजे फिर लेना आएंगे। अच्छा, 2:30 बजे फिर लेके जाएंगे, लड़के छोड़ के जाओ, डंड ले जाए, फिर छोड़ के जाओ, फिर ले जाओ। गांव में पशुओं को ले जाना हो, महिलाओं को चारा लाने जाना हो, या स्कूली बच्चों को स्कूल से घर तक जाना हो, सभी को इस गंदे पानी में से होकर के गुजरना पड़ता है। ये हालात हैं आज आजादी के 74 साल के बाद हरियाणा प्रदेश के झज्जर जिले के गांव समसपुर माजरा के, जहां ग्रामीण लगातार प्रशासन की ओर
निगाहों भरी असरत भरी निगाहों से देख रहे हैं कि कब निकलेगा ये पानी, कब होगा समाधान और कब वो अगली फसल को बो पाएंगे, कब अपने बच्चों को। हालांकि गलियां सीमेंटेड हैं लेकिन पानी इन पर खड़ा हुआ है। गांव के चारों तरफ पानी है, गांव के घरों में पानी आना शुरू हो गया है। इस बार की बरसात ने तमाम प्रशासन और सरकार की कलई खोल दी है। प्रशासन और सरकार के लाख दावों के बावजूद भी समसपुर माजरा गांव के ग्रामीण फसल डूब गई, गांव के घरों में पानी घुस गया, बिजली कम आती है, गांव में पशु अस्पताल नहीं है, गांव में सामान्य अस्पताल नहीं है और यहां पर आठवीं से बड़ा पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं है। गांव के लोगों को इसी गंदे पानी में से गुजर करके अस्पताल में जाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल में जाना पड़ता है और यदि आपको जिला मुख्यालय झज्जर किसी काम से जाना है तो इसी गंदे पानी में से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा। ये गुड़ की फसल थी बाजरा करके अब यहां से पचामना बाजरा था पूछ भी ना जा जाओ ये सामने पड़ गया जरा पीला पड़ गया इतना पीला कौन है पानी का मैं पानी खड़ा जी वो छट्टी काट काट ये छड़ा जी साला तम थाई गई पानी मारी ये गिरी छट्टी अपने रोड के साथ में छड़ी सारा पूरा बाजरा 350 साइड में यो पड़ा अभी सा यो नी मने नी को पानी गिरा छड़े छट्टी बोला के खा रहा हूं ये ना विकास होता इतनी खुद खड़ी हूं।